फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 226.10 पे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे IEX को कवर किया है, जहां पे हमने बताया कि IEX को यहां पे मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी का भी अवार्ड मिला है, और उसी के साथ IEX यहां पे अपना नया IPO भी लॉन्च करने वाली है। अगर ये वीडियो आपने देखे नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए, IEX की अगर हम बात करें तो मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 19,578 करोड़ का। ये जो स्टॉक है, इसने 318 के भी हाई बनाया, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे भारी गिरावट नहीं है, एक बहुत अच्छी लंबी रैली के बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम PE रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा है, 95 का, जब सेक्टर PE यहाँ पे 36.19 पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे बढ़कर हो गया है 356.23 करोड़ का। EBITDA भी देखिए, यहाँ पे 289.01 करोड़ का हो गया है। नेट इनकम बढ़कर हो गया है 206.09, और EPS 1.95 से बढ़कर हुआ है 2.30। मतलब कंपनी जो है उसका ग्राफ बहुत अच्छा है फाइनेंस का, और इसी के साथ कंपनी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट भी दिखा रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जीरो है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 13.61% है। DII 5.88%। FII यहाँ पे 27.07% है। रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 53.45% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो देखिए, 6 अप्रैल की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि IEX ट्रेड वॉल्यूम जंप 38% इन फिस्कल 21-22। तो देखिए, यहाँ पे क्यूमुलेटिव जो 2022 का डेटा जो है ये बता रहा है कि ये जो अचीवमेंट है ये ऑल टाइम हाई है। मतलब यहाँ पे 1,02,035 MU, ये यहाँ पे लीडिंग 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये IEX का स्टेटमेंट है। मतलब देखिए, वैसे भी यहाँ पे समर चल रहा है, समर सीजन में पावर शॉर्टेज है, और यहाँ पे पावर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। IEX एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रेड कर पाए। अब यहाँ पे जिस तरीके की पावर शॉर्टेज है तो इनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और उसी का बेनिफिट यहाँ पे IEX को मिलता है, क्योंकि जितने यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको यहाँ पे चार्जेस भी अप्लाई करती है IEX, और वहां से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये पावर शॉर्टेज और जितना ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही IEX के लिए बेनिफिट होगा। 31 मार्च की न्यूज है, जहाँ पे IIFL के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि IEX शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है नियर टर्म में, और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो एड की रेटिंग है वो यहाँ पे मेंटेन रखी है। और उसी के साथ 20 मार्च की न्यूज है, जहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने IEX पे टारगेट दिया है 248 का। अब हम बात करते हैं IEX के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है कंसिस्टेंटली ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का काम कर रही है। यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट लेवल थे 237 के, ये जैसे इसने ब्रेक किए उसके बाद ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है हमारे लिए एक्ट करने लगी एक रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से जब हमारा सपोर्ट टूट गया तो ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए यहाँ से बाउंस बैक दिया, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और यहाँ से हमें फिर से गिरावट दिखाई दी। फिर से ये जो स्टॉक है इसने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए यहाँ से बाउंस दिया है। अब देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक एडम एंड ईव का पैटर्न बना रहा है, तो जैसे ही हमारा ये जो स्टॉक है, ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा, तो हमारा ये जो नेक लाइन है इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद हमें बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे दिखाई दे सकती। और उसी के साथ IEX के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है IEX का, ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये ऑल टाइम हाई है। तो डेफिनेटली इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे हमें रेवेन्यू जनरेशन भी बहुत बढ़िया दिखाई देने के ज्यादा चांसेस है। तो इन सारी बातों को नजर में रखते हुए ये जो स्टॉक है यहाँ के नीचे के जो लेवल है यहाँ से अपसाइड की जर्नी यहाँ पे दिखाने के ज्यादा चांसेस है, क्वार्टरली रिजल्ट के पहले की रैली हमें दिखाई दे सकती है। तो देखिए, जैसे ही ये स्टॉक जो हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है इसके ऊपर जब ये ट्रेड करने लगेगा तो हमारे लिए नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ये रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन, और जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। तो हमारे लिए जो टारगेट है, सबसे पहला जो टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 247 का, क्योंकि हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे 247 का है। अगर ये सस्टेन होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 268 के आसपास, क्योंकि हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 268 के आसपास आता है। अगर ये भी यहाँ पे सस्टेन होता है तो उसके बाद यहाँ पे 270 से लेके 280 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपने ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा है तो
कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल है बहुत अच्छा है और फ्यूचर ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत बढ़िया नजर आती है। तो अगर आपने यहाँ पे हायर लेवल पे लिया है तो अभी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के पहले एक बहुत अच्छी रैली भी दिखाई देने के चांसेस हैं। तो आई होप इस वीडियो में यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।